Hello, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel, NG Medicals. So, today we are going to discuss the topic which is under the physiology of tissue and cells. So, here we are going to discuss about the tissue injury and repair, or you can say that wound healing. ठीक है? So, हम सब जानते हैं कि wound healing कब होती है? जब कोई wound होता है. Simple सी चीज़ है. जब हमें कोई चोट या injury लग जाती है, घाव हो जाता है, ठीक है? तो उसकी healing भी हमारी body ही करती है. Simple सी चीज़ है. आपने देखा होगा कि हम तो चलिए मेडिकेशंस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स तो नहीं लेते हैं ना, उनकी फिर भी हीलिंग हो जाती है. तो ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी हीलिंग भी हमारी बॉडी जहां तक कर पाती है करती है. सो हियर वी आर गोइंग टू सी कि हमारी बॉडी कैसे वूंड हील कर रही है. तो बॉडी की वूंड हीलिंग की फिजियोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so first of all, we have to know what is this wound healing. Wound healing is a process, कह सकते हैं ये एक तरह का तरीका है. किस चीज का तरीका? Replacement करने का. किसका replacement करने का? जो कि tissues और cells हमारे destroyed हो चुके हैं और ये living tissues हैं. तो living being के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जीवित चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो living tissues ही होंगे. So हमारी बॉडी जिस हिसाब से हम जानते हैं कि पूरी बॉडी जो है ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बनी है, दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज. ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई भी इंजरी होती है तो सिंपल सी चीज है, पूरी बॉडी टिश्यूज से मिलके बनी है, तो टिश्यू इंजरी हुई होगी कहीं ना कहीं, जहां पे भी वोंड हुआ होगा. ओके, तो उन डिस्ट्रॉयड टिश्यूज को हमें क्या करना है, फिर से रिप्लेस करना है हेल्दी टिश्यूज से. ठीक है, तो हमारी बॉडी ये कैसे करती है देख लेते हैं. इसके लिए हमारी बॉडी के पास स्टेजेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी इंजरी होती है, कट लग जाता है, तो सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, हम सब जानते हैं. तो ब्लीडिंग हो गया एक, तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है. हमारे जो इंजरी हो रही है जिसकी वजह से हमें ब्लीड हो रही है. इसके बाद वाले जो तीन ये है ना फेजेस, दीज ऑल आर सो इम्पोर्टेंट. सो नेक्स्ट वाला है हमारा इन्फ्लेमेटरी फेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज दिस मीनिंग, इन्फ्लेमेशन मीनिंग. तो ये आप आगे तो बहुत ही जगह पे देखने वाले हो कि ये इन्फ्लेमेटरी मीनिंग क्या होता है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ. इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन इज कम्पोज ऑफ द रेडनेस, स्वेलिंग. तो जब आप देखते हो कि आपको कहीं पर भी कोई चोट लगी है, वहां पे आपका रेड हो जाता है ना, स्वेल हो जाता है वहां पे, तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ठीक है, और इस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो सेकेंड हमारा जो फेज हो गया वो हो गया हमारा, चलिए हम इसे फर्स्ट से काउंट करते हैं, ब्लीडिंग को हटा देते हैं. सेकेंड हमारा सॉरी फर्स्ट हमारा जो फेज हो गया वो हो गया इन्फ्लेमेशन फेज, जिसमें हमें रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है. ठीक है, और हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्लोरीफिरेटिव फेज. प्लोरीफिरेशन मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्यों हो रहा है. सिंपल सी चीज है, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया है कि अनहेल्दी जो रप्चर, जिनको चोट लग चुकी है टिश्यूज को, उनको हटा के हेल्दी सेल्स या टिश्यूज लाने हैं, है ना. तो वहां मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लोरीफिरेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, हेल्दी सेल्स ये हेल्दी टिश्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, देन आते हैं रीमॉडलिंग. मॉडलिंग, रीमॉडलिंग एक मॉडल होता है, बना बनाई कोई चीज. ठीक है, प्रॉपर उसके पास स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन होता है. ठीक है, उसी तरह से रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि दोबारा से वो वूंड हील हो गया और पहले की तरह दिखने लगा. ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो टिश्यू इंजरी एंड रिपेयर. तो टिश्यू इंजरी क्या है पहले वो देख लेते हैं. कोई भी चीज डैमेज हो रही है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी एक और छोटा सा देख लेते हैं कि डैमेज ऑफ द बॉडी सेल्स और अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब डैमेज ऑफ द सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स टिश्यूज. ठीक है, टिश्यू रिपेयर क्या है, वो टिश्यूज जो इंजर्ड हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को हटा रहे हैं और नए टिश्यूज आ रहे हैं. ठीक है, जिनको हमने क्या कह दिया, रीस्टोरेशन ऑफ द टिश्यूज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ. ठीक, इंजरी के बाद. नाउ मैकेनिज्म देख लेते हैं, मतलब वही हमारे प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस था तो हम उसे बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी फेज वन.
ठीक है, तो फेज वन में क्या हो रहा है पहले देख लेते हैं। तो स्टार्ट हमारा ब्लीडिंग से हो रहा था, ये तो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। अब ब्लीडिंग हो क्यों रही है ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस भी जगह पे चोट लग रही है इस वाली इमेज में देखिए, जिस भी जगह पे वुंड हुआ है वहां की जो ब्लड सप्लाई है उस पर भी चोट लगी होगी, उसके भी जो टिश्यूज होंगे ठीक है वो भी रप्चर मतलब टूट गए होंगे, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा है, लीकेज ऑफ दी ब्लड हो रहा है। सिंपल सी चीज है, ये हमारी ब्लड सप्लाई थी, यहाँ के भी टिश्यूज पे चोट लगी, यहाँ के टिश्यूज भी डेथ हो गए और हमारे जो ब्लड था जो कि इसके अंदर था वो बाहर आ गया और वो वूंड से हमें दिखने लगा, वही हमारा ब्लीडिंग फेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट एट द इंजरी साइट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा थोड़ी देर ब्लड निकलता है उसके बाद वो ब्लड रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, उसका एक बहुत मेन रीजन है। इस वाले GIF में देखिए, यहाँ पे देखिए इसने अपना ये जो ब्लड वेसल्स है इसने अपना साइज कम कर दिया होगा, कम करेगा अभी यहाँ पे देखिए ये कम कर दिया, ठीक है। इसी वर्ड को बोला गया है कंस्ट्रिक्ट करना, मतलब बारीक कर देना, पतला कर देना, कंस्ट्रिक्ट मतलब। तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था कि इसने अपने आप को क्या किया, एकदम पतला कर दिया, ठीक है। जब ये एरिया एकदम बंद कर दिया इसने तो ब्लड जो ब्लड निकल रहा था वो ब्लड निकलना बंद हो गया, ठीक है। और क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे ब्लड के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो हम ब्लड में आगे पढ़ेंगे कि वो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देती है, क्लॉट मतलब जमा देती है, ठीक है। तो जब ब्लड ताजा ताजा ब्लड निकलना बंद हो गया, यहां से ये पतली हो गई और पतली नैरो होने के बाद इसने रास्ता बंद कर दिया, इस वजह से जो ब्लड निकला हुआ था वही पे क्या हो गया, क्लॉट हो गया, जम गया, ठीक है, ये हो गया ब्लड क्लॉट, ठीक है। देन इंक्रीज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक तरह के मैसेंजर होते हैं जो कि मैसेज देते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लेमेशन मींस क्या होता है, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, पेन हो गया और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चारों कंडीशन को मिला के हम एक वर्ड बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज है, चोट लगेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इन्फेक्शन ना हो पाए इसके लिए हमारी बॉडी के पास कुछ मैसेज होते हैं जो कि मैसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्फ्लेमेशन जहां पर भी हुआ, यहां पर देखिए इन्फ्लेमेशन रेडनेस, यहां पे पूरा रेड हो गया होगा, तो यहां से मैसेज जनरेट हुआ। हम ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि मैसेज जनरेट कैसे होता है। यहाँ पे मैसेज जनरेट हुआ और हमारे ब्रेन में चला गया, जिससे कि हमारे ब्रेन को पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे चोट लगी है तो कुछ तो रिलीज करना चाहिए, कुछ तो ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है। इसलिए जब हमें चोट लग जाती है तो हमें इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के पास मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्रेन को मैसेज कर देते हैं कि इन्फेक्शन नहीं होना है, चोट लगी है लेकिन हमें संभालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैसेंजर्स ने ब्रेन को मैसेज किया कि भाई चोट लग गई है अब बताओ क्या करें, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, हमारे WBC से, मैंने आपको बताया ना WBC, हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs मतलब रेड ब्लड सेल, जो रेड कलर का दिखता है ब्लड वो, WBC हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। ये कब रिलीज होते हैं, जब कब इंक्रीज होते हैं, जब इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इन्फेक्शन को कम करने के लिए अपने आप को बढ़ा देते हैं, भाई ये अपने आप को बढ़ा देंगे तो ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया अगर अंदर आए हैं तो उनको मार देंगे, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजस जो है, ये मैक्रोफेजेस जो है, ये WBC का एक कह सकते हैं कि भाई है, समझ लीजिए आप, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेस जो है वो रिलीज हो गया, ठीक, कम मतलब आ गया, ठीक है, मैक्रोफेजेस आ गया, ब्रेन ने मैसेज किया मैक्रोफेजेस को कि तुम चले जाओ और यहां पर आ जाओ ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस बहुत सारे यहाँ पे आ गए ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। देन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने मैक्रोफेजेस के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स को भी रिलीज किया। न्यूट्रोफिल्स भी WBC का ही एक भाई है, ठीक है, ये सब WBC के भाई बहन है, आप समझिए, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स भी रिलीज हुआ, मैक्रोफेजेस इसने, न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, इसकी हेल्प, इसको हेल्प करने के लिए रिलीज हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स भी रिलीज हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब हमारे जो एपिथेलियल सेल्स थे, मैंने आपको बताया ना कि अब भाई सेल भी तो अपने आप को, ये जो सेल, ये देखिए ये जो लेयर टूट गई है, ये पूरी लेयर होनी चाहिए, ब्लैक से बना देती हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना ये सेल्स ही तो हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स मिला के क्या हुए, टिश्यू बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, है ना, तो कंप्लीट कब होंगे, जब सेल्स बनना नए स्टार्ट होंगे, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने नए सेल बनाने की एक तकनीक या स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है।
फाइब्रोब्लास्ट, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी चीज फाइबर से मिलके बनी है, रेशे से मिलके बनी है, रेशे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाएंगे स्लोली स्लोली, ये अपना इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर्स हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं इसको डीप में नहीं बताने वाली, आप पिछला लेक्चर देख सकते हो मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी बनना स्टार्ट हो गए, समझ गए। इन्फ्लेमेटरी फेस में सबसे पहले क्या हुआ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले क्या हुआ, ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। तो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, जो ब्लड लेके जा रही थी, उनको चोट लग गई, उनके टिश्यू डैमेज हो गए, तो ब्लड जो अंदर ही रहना था वो बाहर आ गया और वुंड के थ्रू दिखने लगा, यहाँ पे ब्लड दिखने लगा, ठीक है। ब्लीडिंग इसलिए हो रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ब्लीडिंग को रोकना भी तो है ना बॉडी को, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसी जो रप्चर हुआ था उसको क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया, ठीक है। हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, इसको नैरो कर दिया, छोटा कर दिया इसका साइज, तो ब्लीडिंग होना बंद हो गई। इसी वजह से जो ब्लीडिंग ऊपर हो गई थी वो ब्लड क्लॉट में चेंज हो गई, मतलब जम गया ब्लड, ठीक है। इंक्रीज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, अब हमारे जो जहां पे चोट लगी थी वहां के मैसेंजर ने क्या किया, मैसेज ब्रेन को मैसेज किया कि इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे अंदर WBC इंक्रीज हो गए। तो WBC के कुछ साथी थे, भाई बहन थे, वो साथ में इंक्रीज हो गए, जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद अब क्या हुआ कि सेल्स भी तो बनने हैं ना, तो इपिथेलियल सेल्स भी इंक्रीज हो गए, उसके साथ साथ रेशे भी बनने हैं जो अंदर वुंड को फिल कर सके, है ना, भर सके, घाव भरना सोना तो हो गई, ठीक है। तो कौन घाव भरेगा, हमारा फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, सेकंड फेज, ठीक है। सेकंड फेज में मैंने आपको बताया था कि प्रोलिफरेटिव फेज होता है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, ठीक। तो अब नए सेल्स जो बनेंगे वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नए सेल्स, जैसे यहाँ पे आप देखिए GIF में, यहाँ पे सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो ऊपर का घाव था उसको भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किस किस का, सिर्फ सेल्स का नहीं, फाइबर्स का यानी फाइब्रोब्लास्ट का, यहाँ पे ये जो फाइबर्स से मिलके हमारा पूरा बना हुआ है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट का, एपिथेलियल सेल्स का। तो एपिथेलियल सेल्स मैंने आपको बताया था कि ऊपरी सतह पे होते हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ऊपरी सतह वाले सेल्स भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेल डिविजन हो रहा है, ठीक। अब क्या हुआ कि इट इंक्रीजेस द ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक। तो हमारा जो ग्रोथ फैक्टर है, मतलब सेल्स की सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होना है, सेल्स को ग्रो भी करना है, अपने नॉर्मल साइज में भी आना है, तब वो जाकर के उस वुंड को फिल कर सकेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ गया, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर्स में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीजें भी इंक्रीज हुई, जैसे सेल मैट्रिक्स, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, लिक्विड होता है जो सेल्स के आसपास होता है, जो सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ कॉलेजन फाइबर्स भी हैं, कॉलेजन कौन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन ने क्या किया, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद दे मेंटेन द एज ऑफ द ब्लड वेसल्स इफ रप्चर्ड, तो जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई थी, टूट गई थी, जो कि पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखा दी, अब उनको भी तो मेंटेन करके रखना है ना। तो कॉलेजन फाइबर ने मेनली क्या किया कि उस प्रोटीन ने क्या किया कि उन ब्लड वेसल्स की जो आसपास के टिश्यूज टूट गए थे उनको फिर से बनाना शुरू किया, क्योंकि हमें ब्लड सप्लाई भी तो चाहिए ना। ये देखिए इमेज देख लेते हैं, तो पहले में क्या हुआ, पहले में ये हुआ था कि कुछ ब्लड सप्लाईज टूट गई थी, कुछ ब्लड सप्लाईज थी, तो जो टूट गई थी उनका भी एरिया छोटा कर दिया गया और जो थी उनका भी एरिया कम कर दिया गया, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया और ब्लड फॉर्म कर दिया गया, ठीक है, इससे ब्लीडिंग रुक गई थी, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ था कि एपिथेलियल सेल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, है ना, एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ हमारे क्या क्या फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। तो ये आप ये देख रहे हो ना, लंबे लंबे ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स के साथ साथ मैट्रिक्स बनना स्टार्ट हो गया था, मैट्रिक्स के साथ साथ कॉलेजन फाइबर्स जो कि हम प्रोटीन जिन्हें कहते हैं, ये प्रोटीन रेड रेड बनना स्टार्ट हो गए थे और हमारे पास मैक्रोफेजेस भी आ गए थे, ठीक है। थर्ड फेज देख लेते हैं, रीमॉडलिंग फेज, रीमॉडलिंग मींस पहले की साइज और शेप में आना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब जब ब्लड सप्लाई हमारी रिपेयर हो गई, जो हमारे ब्लड सप्लाई जो ब्लड वेसल्स के टिश्यूज थे वो रिपेयर हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। भाई सिंपल सी चीज है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है हम सब जानते हैं, अब ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गई वहां की, तो ऑक्सीजन देना उन्होंने
शुरू कर दिया। तो ऑक्सीजन क्या है? खाना है, हमारी बॉडी का फूड है, न्यूट्रिशन है। अगर हमारी बॉडी की किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारे उस ऑर्गन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सॉरी मैंने कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि स्कार टिश्यू रिपेयर हो गया है ना। स्कार टिश्यू क्या थे? वो जो जितने भी टूटे हुए रप्चर टिश्यूज थे वो अब यहाँ पे रिपेयर हो गए। किसके अंडर द स्कैब? तो आपने देखा होगा स्कैब क्या होता है, वो जो पपड़ी जम जाती है आपके वूंड पे, है ना, टाइट सी पपड़ी जम जाती है। आपने देखा होगा जब वूंड आपका ठीक होने लगता है तब वो पपड़ी जम जाती है आपके वहां। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ वूंड हमारा ठीक हो रहा है। ठीक, तो पपड़ी क्यों जम जाती है? जिससे कि बाहर का इन्फेक्शन अंदर ना जा सके। हमारी बॉडी देखिए कितनी इंटेलिजेंट है, हमारा नेचर कितना, गॉड कितने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने हमारी बॉडी को कितना परफेक्ट बनाया। ठीक है, तो पपड़ी जम जाती है इसलिए क्योंकि अंदर सारा काम हो रहा होता है, वो काम डिस्टर्ब ना हो इस वजह से वो पपड़ी जम जाती है कि बाहर का इन्फेक्शन अंदर एंटर ना कर सके, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए। फिर आते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का काम। ठीक है, इम्यून सिस्टम का क्या काम है? मतलब जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे, मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जितना भी ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये हमारी ब्लड सप्लाई के आसपास होता है। इसलिए होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे अंदर इम्यूनिटी बनाते हैं। इम्यूनिटी तो सुना ही होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हम बीमार होते रहेंगे, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज हो गया, स्ट्रांग हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि देखिए हमने हर जगह से इन्फेक्शन को रोक तो दिया है, पर अंदर वाले जो वायरस बैक्टीरिया जो चले गए थे भाई, वूंड के थ्रू अंदर जो वायरस बैक्टीरिया चले गए थे उनको भी तो मारना है ना, तो क्या हुआ, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और स्ट्रांग है। अभी तक तो मैक्रोफेजेस मार रहे थे लेकिन हमारी बॉडी को सुकून नहीं मिला। उसने सोचा कि नहीं फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए उन्होंने हमारे और ज्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दिया, लिम्फोसाइट्स को स्ट्रांग कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब जब लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी एक लिक्विड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड में ही होता है प्लाज्मा। ठीक, तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एंटीबॉडीज को इंक्रीज करता है। एंटीबॉडीज हमारे कौन होते हैं? एंटीबॉडीज एक तरह के कह सकते हैं गार्ड होते हैं। ठीक है, अभी आपका स्टार्टिंग है तो शायद आपको ना पता हो, तो एंटीबॉडीज कौन होते हैं, कह सकते हैं कि गार्ड्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो कि हर तरह के इन्फेक्शन को मार देते हैं। ठीक है, वो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंक्रीज द प्लाज्मा, प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है कि वो एंटीबॉडीज को इंक्रीज कर दे रहे हैं। एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा और फर्दर यानी कि आने वाले इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट कर देगा और हमारी आराम से हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, हीलिंग प्रोग्रेस में रहेगी। सो यहाँ पर देखिए स्कैब जो बन गया था हमारा टाइट सा पोर्शन, उसके अंडर में सारा सब कुछ डेवलप हो गया। हमारी ब्लड वेसल्स भी पूरी कंप्लीट बन गई, हमारे जो ये थे क्या कहते हैं फाइबर्स भी बन गए, हमारे पास मैट्रिक्स भी आ गया जो कि लिक्विड पोर्शन था, और हमारे पास कॉलेजन फाइबर्स भी आ गए मतलब प्रोटीन भी आ गए, तो हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई O2, देखिए यहाँ पे O2 भी प्रॉपर आ गया, तो हर एक चीज हमारी आ गई और हमारा जो वूंड था वो भर गया और हमारा जो रिमॉडलिंग प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर टफ लग रहा है तो इट्स ओके, आप एक बार और मेरा लेक्चर सुनिए। नहीं समझ आ रहा है तो बुक रेफर कीजिए, नहीं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो टिल देन बी सेफ और घर पे रहिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते तो प्लीज आप मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करा दीजिए। बाय बाय।